ए शाम आ गोद ले मुझे, दिन भर की मुशक्कत से मदन टूट रहा है। इस वक्त मैं बादशाह खान चौक पर मौजूद हूँ क्वेटा वाइस के साथ। मैं मनामन दुखेल हूँ। मेरे साथ मजदूर बैठे हुए, आज वफाक की जानिब से प्रोजेक्ट पेश कर दिया गया, मगर मजदूर आज भी वही खुश्क रोटी की तलाश में, इनको रोज़ाना में नहीं मिलता। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 5-6 दिन तक ये बिल्कुल खुश्क रोटी से गुजारा करते हैं। आयाल से पूछते हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल में महीने में कब इन्होंने गोश्त खाया है। थोड़े से बताए घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं, क्या खाते हैं आप? बस घर में भी यही सूखा रोटी है, इधर भी सूखा रोटी, कभी मिलते हैं कभी खाते हैं, कभी हम रात को ऐसे भी सोते हैं। गोश्त हम देखा भी नहीं है इस टाइम तक। मजदूर बच्चे क्या कहते हैं? बस बच्चों उधर ही है, बस अल्लाह देते हैं उधर, बस कभी कैसे है, कभी कभार बच्चे बोलते होंगे बाबा गोश्त भी खिला दे। हाँ गोश्त हमारा पास है नहीं तो किधर से खिलाए, बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये अल्लाह पाक का वायदा है रोटी। कितने दिन में आपकी जाड़ी लग जाती है? यारी हमारा लगते है, कभी लगते है कभी नहीं लगते है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, कभी कभी लगते है कभी नहीं लगते। महंगाई बढ़ गई है? हाँ महंगाई ज्यादा है, इतना अरूज में है हम ऐसे। बजट में आपके लिए कुछ नहीं रखा? नहीं कुछ नहीं रखे, बस वो इमरान खान पहले दिया था 12,000, अल्हम्दुलिल्लाह बस वो भी 10 दिन में खत्म हो गया। कभी अभी वो 12,000 मिल रहा है आपको? नहीं अभी नहीं मिले, अभी कुछ नहीं मिले, 1 रुपया भी नहीं मिले, बस मजदूरी भी नहीं है, महंगाई है। इधर कारोबार तो कोटा में है नहीं, हम सिंध से आए तो बिल्कुल इधर बिल्कुल काश है भी नहीं है, काम नहीं है, कम है नहीं। ये बादशाह खान चौक पर बैठे मजदूर हैं, इनके पास आने का मकसद बेसिकली है वफाक की जानिब से बजट पेश कर दिया गया, मगर गरीब का ख्याल उसमें नहीं रखा गया है। ये लोग पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते, एलीट क्लास की जिंदगी अभी भी चल रही है, लग्जरी गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, हवाई सफर का इस्तेमाल हो रहा है, मगर गरीब के लिए जो साइकिल पर जाता है उसके लिए पेट्रोल बढ़ना कोई मसला नहीं है। रोजमर्रा की जो अशिया है, घी आटा घी चीनी इसके साथ साथ दाल वगैरह, इन पर अगर सब्सिडी दी जाती तब इस गरीब के घर में शायद कुछ बचत होता, मगर वो नहीं दी गई है, गरीब का ख्याल नहीं रखा गया। अब तक की सूरत हाल से थोड़ा सा आपको आगाह करना था, तब तक के लिए क्वेटा वाइस से मनामन दुखेल को दीजिए इजाज़त।